हेलो जी राजेंद्र जी, कैसे हो? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया हूँ जी। आप हाँ सही? हाँ फैज बात कर रहा हूँ। अपनी मेरी आपकी 25 तारीख को बात हुई थी, थर्सडे के दिन। हाँ जी। तो आपने वॉक एंड रेस्ट बताए थे और पानी पीने का मुझको पूरा शेड्यूल भेजे थे, तो जी। उस पर अमल तो कर रहा हूँ मैं। तो शुरुआत में तो मैं आपको 5 दिन में करने वाला था। मैं थोड़ा सोचा देखा और कर लूँ, तो एसिडिटी का तो समझो मेरे को 50% आराम मिल गया। शुरुआत में तो पूरा था, लेकिन अभी 3-4 दिन से थोड़ा हो रहा है मुझको एसिडिटी, तो वो तो मैं कर रहा ही हूँ, आपने जो पता है। इसके अलावा मुझको दूसरा ये हो रहा है कि प्याज, ये मुंह सूख रहा है मेरा। कब से सूख रहा है? ये तो मतलब जैसे समझो ना, मैंने शुरू किया ना, अच्छा पार्ट टाइम। जैसे मैं अभी फॉर एग्जाम्पल आज फर्स्ट 2 दिन है, तो खाना खाने के साथ में पीना है ना, एक एक गिलास पानी जी तीन टाइम। जी हाँ जी। तो अभी उसके बाद 4-5 घंटे तक नहीं सूखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपका वॉक एंड रेस्ट कर ही रहा हूँ, उसके बाद अभी सो के उठूंगा ना, तो फिर रात के खाना खाने तक सूखा रहेगा, और फिर खाना खाने के साथ पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में सूखा हुआ रहेगा ऐसा। कोई बात नहीं, वो तो जब आप उठते हैं तो सूखा होता है, पर जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो अपने आप से ठीक हो जाता है वो। अच्छा नहीं, वो मैं खाना खा के पानी पीता हूँ ना, तभी होता है वो ठीक उस नहीं वक्त। नहीं जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको मुंह सूख रहा है, पहली बात तो वो ज्यादा नहीं सूख रहा होगा, फिर अगर ज्यादा भी सूखता है ना, तो जब आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके मुंह में स्लाइवा अपने आप से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ओके और ओके। बीच और में आपने पानी का इंटेक कुछ बढ़ाया भी हुआ था ना, एक्चुअली में ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी पहले एक दो बार कर चुके होते हैं, उनका बैलेंस बन चुका होता है, परंतु ओके जब आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले शुरू शुरू में कुछ दिन के लिए, ज्यादा देर के लिए आप सिर्फ दो, मतलब खाने के साथ में पानी पीने वाला है ना, जो 3 गिलास पानी पूरे दिन में पीना है, बराबर। तो शुरू में वो हफ्ता 10 दिन तक वो कर सकते हैं। अच्छा अदरवाइज अगर इसको भी फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली 2-4-5 दिन ज्यादा लग जाएगा, ठीक इसमें भी हो जाता है वो। मतलब ये जो आपने पूरा महीने का शेड्यूल दिया है। हाँ, इसमें भी आपका परफेक्टली ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है ओके इसमें। ओके ओके ओके। और एक चीज ये पूछना था आपसे राजेंद्र जी, कि ये वॉक एंड राइड जब से शुरू किया हो ना, तो अपना काफ होता है ना, जो ये मेरा लेफ्ट पैर का काफ से लेके ये एंकल के थोड़ा नीचे तक है ना, एकदम ऐसा बेचैनी और गुदगुली जैसे महसूस हो रही है पैर में। लेटता हूँ ना मैं, एकदम वो होता है वॉक एंड रेस्ट करने के बाद। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है डायबिटीज। आप कितना वॉक एंड रेस्ट कर पा रहे हैं? जैसा मैं तो मॉर्निंग में तो डेली कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लेट उठना होता है। तो मतलब समझो एक दिन में मैं 2 घंटा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर कोशिश करिए, अगर 3-4 घंटे तक खींच सकते हैं इसको, तो अच्छा वो अच्छा जितना ये करने के बाद वॉक एंड रेस्ट सोना कंपलसरी है क्या? हाँ, सोने से ज्यादा फायदा रहता है अगर आप कभी, मतलब जैसे उसके लिए क्या है कि सुबह और रात को करने का फायदा यही होता है ना कि आप घर पर ही होते हैं तो सो सकते हैं, बाकी बराबर। जिस समय ऑफिस चल रहा है तो उसमें 5 मिनट चल रहे हैं तो उसके बाद बैठ के काम कर सकते हैं, पर घर में तो सोना ही ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सोने में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचेगी, और जो भी हम अच्छा जनरेट करते हैं एनर्जी, उसका बेसिक पर्पज होता है कि हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी मिले ताकि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़े। बराबर। एसिडिटी का जो मेन कारण होता है वो होता है हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो कम होने लगती है, और हमारे वाइटल ऑर्गेन्स बराबर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। बराबर बराबर समझ गया। और वो दूसरा मैं आपको सांस फूलने का भी बोला था ना, ये मैं बताया था ना, सर्दी भी मेरे को बार बार हो जाती है। तो अभी मेरे को सर्दी जो है ना हुई, आपने जब से दवा बंद करने बोले ना, तो मैंने तो एंटा एसिड वो दिन लास्ट था, मैंने उसके बाद खाया नहीं, और वो उसकी एलर्जी की गोली खा रहा था ना, मोन्टेलुकास फिक्सोफेनेडाइन, वो भी बंद कर दिया। तो मेरी ऐसा, मैं एक नाक बंद करके दूसरी नाक से सांस लेता हूँ ना ऐसा, लेफ्ट राइट, तो मेरी नाक, ये लेफ्ट वाली नाक है ना, ऐसा जाम, ऐसा कुछ कफ वगैरह पानी निकल रहा नहीं है ना, हलक से कफ निकल रहा है, लेकिन मेरे को है ना ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा दम घुटने जैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सांस रुक रही है, और सीने में थोड़ा हल्का दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा थोड़ा झुकूंगा ना, ऐसा दर्द महसूस होगा, मेरी बेटी को उठाऊंगा फिर वो मैं लेटा रहूंगा, मेरी बेटी मेरे ऊपर चढ़ती है पेट पे सीने पे, तो ऐसा घुटन जैसी महसूस होती है। आप पहले कितना पानी पीते थे? पहले मैं समझो ना कि दिन के अंदर मैक्सिमम 3 लीटर, मिनिमम 2 लीटर पीता था। आपकी एज कितनी है? 26। और चाय कितनी पीते थे आप?
चाय तो मैंने अभी पिछले 1 साल से तो नहीं के बराबर, 1 साल में वो समझिए कि 1 महीने के अंदर 5 कप पिया तो पिया, ना तो वो भी नहीं। आप एक दिन के लिए पानी पूरा छोड़ दीजिए, एक बूंद भी मत लीजिए, एक बूंद भी नहीं पूरा पियो। पूरा खाना खाइए। तो उसके बाद जो ओके ऐसे आप बोल रहे ना कि कोई कफ वगैरह नहीं निकलता, तो अगर आपके चेस्ट में कफ वगैरह होगा तो वो निकलना चालू हो जाएगा, फिर वो 8-10 दिन तक निकलता रहेगा। तो दवाई मत लीजिए और हर घंटे बाद आप अपने मतलब नाक, होने दो, सर्दी जितनी निकल रही है मेरे को हो रही, हाँ होने उसको दो। निकालिए, रखिए मत, निकाल लीजिए, अंदर मत लेके जाइए उसको, मतलब थूक दीजिए, मतलब बाहर वाश बेसिन में नाक से या मुंह से जैसे भी करते हैं ना, अच्छा वो निकालते रहिए और हर जैसा, घंटे में निकालते रहिए। ओके अभी फॉर एग्जांपल मैंने दोपहर, मैंने तो आज नाश्ता स्किप कर दिया क्योंकि बहुत लेट सो के उठा, कल रात में लेट नींद आई थी, तो मैंने अभी 2-2 बजे खाना खा लिया, वही नाश्ता स्किप कर दिया, तो मैंने 1 गिलास पानी पिया। अभी कल तक पानी नहीं पियो कुछ भी? हाँ कल तक क्या, परसों रात, परसों सुबह तक मत पीजिए, परसों परसों सुबह हो से जाएगा, खाना दो मत दिन तक पीजिए। बर्दाश्त नहीं होगा एकदम ही। आप वॉक एंड रेस्ट करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, जब भी आपको प्यास लगे तो थोड़ा वॉक एंड रेस्ट कर वॉक लीजिए, एंड तो रेस्ट उससे कर लूं? आपको, और खाना पूरा खाइए। अच्छा खाना पूरा खाऊं, ठीक तो है। बिना पानी के आप खाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप 5 मिनट की जगह 10 मिनट आराम से खाइए उसको, खा लीजिए, खाना कम मत होने दीजिए। अच्छा खाना बराबर खाओ। और मैं और ये बोल रहा था, अपन सुबह उठ के ऐसा उंगली डाल के हलक में से सब निकालते ना, तो वो जबान साफ करना सही है या गलत है? नहीं वो सब की जरूरत नहीं है, वो सब नहीं करना चाहिए, उससे क्या है कि पेट के एसिड वगैरह निकल जाते हैं, तो मतलब उस ऊपर आता है ना सब, वो ठीक नहीं है, वो मतलब कभी बिल्कुल ही नहीं, छोड़ ही देने का, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि सुबह उठते ना तो ऐसा हलक में ऐसा कफ वगैरह जमा हुआ लगता है, तो हाथ डाल के निकालने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं, उसको मत करने की जरूरत नहीं है, जब आप पानी को छोड़ेंगे तो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब अपने आप हलक में आएगा और वो नाक में आएगा, तो उसको निकाल देने का छिनक के और थूक के, तो जी 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 उसको बिल्कुल ही बंद कर दो, ऐसा हलक में उंगली डालना ही नहीं चाहिए। नहीं डालिए उसमें, उसमें फिर वो एसिड वगैरह आता है ना, तो उससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, उससे बराबर स्टमक एसिड्स और वीक हो जाते हैं, उससे में तो आराम मिलता है, पर उसका बेसिक पर्पस तो एसिड का होता है सब खाने को गलाकर नीचे ले जाना, जब एसिड ही बराबर खत्म हो जाता है तो खाना और नीचे नहीं जाएगा, और फिर आने वाले दिनों में धीरे धीरे दिक्कत होने लगती है। बराबर, सही बोले सही है, ठीक है ऐसा करता हूँ। और ये इसका, ये सीने में दुखने का कुछ वजह, और ये सांस सांस ये फूलने पानी का तो बंद सर्दी करेंगे, हो सकती है। पानी नहीं, सर्दी वर्दी कुछ नहीं होता है, जब पानी ज्यादा होता है तो उससे सर्दी होती है, जैसे जैसे आप पानी, जैसे आप बंद करेंगे ना, हाँ तो आपको कल तक थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और वॉक एंड रेस्ट को और बढ़ा लीजिए, आप जितना ज्यादा करेंगे मतलब उतना दिन ज्यादा, में 3 घंटा करूं? नहीं 6 घंटे भी कर लो, अभी बोल लो, वो 5-5 मिनट ही करना है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि एक बार ही में 1 घंटा ही करना है, जितना आपका ओके दिल करता है उतना करिए, नहीं और फॉर, कोशिश मैक्सिमम करिए कि अगर आप 10 घंटे अच्छा भी कर सकते हैं 10 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में मैं फॉर एग्जांपल 5 मिनट चलू, 10 मिनट लेटू, ऐसा दो ऐसा घंटा भी चल कंटिन्यूस सकते कर हैं। लूँ तो भी चलेगा ना? हाँ, 2 घंटे क्यों, 4 घंटे लगातार करिए, 10 मिनट तो रेस्ट कर ही रही है ना, तो रेस्ट तो हाँ, हो ही रहा और है कुछ ज्यादा मतलब नहीं। मेरे को वॉक 5 मिनट ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, हाँ और एक बार रेस्ट कितना मिनट ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ आप एट अ 15-20 मिनट टाइम? भी कर सकते हैं, परंतु डिपेंड करता है कि अगर एनर्जी है आप में तो चल लीजिए, और अगर अच्छा एनर्जी थोड़ा सा सुस्ती लगे तो आप आधा घंटा भी ज्यादा रेस्ट लेट कर लो। जाइए थोड़ा। तो 5 मिनट की जगह अगर आप, अगर आधा घंटा कर रहे हैं तो 7-8 मिनट 10 मिनट भी चल सकते हैं फिर। बराबर 7-8 महीने 10 मिनट। ओके ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। एक तो पानी बिल्कुल नहीं पीऊँ परसों तक, और वॉक एंड रेस्ट बढ़ा दो, ये दो चीज करूँ ना अभी जी फिलहाल जी में। अच्छा, आपको पहले दिन तो ये लगा था ना कि पूरा ठीक हो गया? हाँ पहले दिन मेरे को 4-5 दिन ऐसा लगा कि वो हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर पानी का है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से, और खाना भी ऐसा लग रहा है वो मैंने तला हुआ आइटम खाया था, तो हो सकता है उसकी वजह से वो खा भी लिया धीरे हो, धीरे करके पूरा ठीक हो राइट? जाता है वो, हाँ पूरा अच्छा ठीक हो जाता है। अभी मेरे को कल भी था लेकिन आज मॉर्निंग से तो है नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है ये दो चीज मैं ट्राई करता हूँ राजेंद्र जी, और आपको मैं फिर बताता हूँ है ना, परसों के ठीक दिन ठीक बिल्कुल ठीक पानी नहीं पीऊँ ना परसों तक। जी 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 हाँ ठीक ठीक है राजेंद्र जी, शुक्रिया। थैंक यू।